नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सिद्ध होगा। लिखा हुआ मेकिंग ऑफ, बोर्ड पे देखे सभी लोग, लिखा है मेकिंग ऑफ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंस होगा उस वाक को हमें क्या बदलना है, विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे देखिए, एक्सरसाइज के रूप में हमने आपके सामने फोर सेंटेंसेस बोर्ड पर नोट किया, उनको आप ध्यान से देखें और समझें कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में। इसका कुछ रूल्स हैं, उन नियमों को आप ध्यान से सुने और समझें, इसके बाद में ही आप एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में दिए गए वाक्य को चेंज कर पाए, बदल पाए। क्या है इसमें जानते हैं, जो वेरी है, वेरी वेरी जो वर्ड है इसके जगह पर हमें हाउ वर्ड स्टार्ट करना, हाउ हाउ लिखना है। ठीक है, दिए गए सेंटेंस को हाउ वर्ड से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में जो इसका ये आस्पेक्ट है ये इनको थ्रम हम यूज करेंगे हाउ के बाद। समझ रहे हैं आप लोग? तो आंसर देखिए, एंडिंग पढ़िए, आंसर नंबर पहला हमने भी आपको क्या बताया, वेरी की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, हाउ। ठीक है, हाउ, हाउ के बाद में हमने बताया था क्या है ना, ब्यूटीफुल, हाउ हाउ ब्यूटीफुल, और क्या आ गया आपका रहेगा, द रेन, द रेन क्रिया जो है लास्ट में और सभी के अंत में ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। तो हमारा क्या होगा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ये सेंटेंस आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में चेंज होगा। इसी प्रकार से यही कंडीशन अप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में भी। नंबर सेकंड में क्या लिखा, द स्केल इज वेरी चार्मिंग, आपको कहां से स्टार्ट करना है, हाउ से, हाउ, हाउ के बाद में क्या है, चार्मिंग, तो हाउ, हाउ चार्मिंग। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द स्केल और आपकी क्रिया इज और संबोधन का मार्क्स, ये विश्व सूचक हो एक्सप्लेनेटरी मार्क है, इसका यूज अवश्य करेंगे। आप कितना भी सही बना दें, यदि आपने ये चीज नहीं लगाया, मार्क्स नहीं लगाया, तो बाक सेंटेंस आपका एक्सप्लेनेटरी जो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, आपको इसका बोर्ड एग्जाम में कोई भी अंक नहीं प्राप्त होगा। आइए नंबर आपका जो थर्ड है, थर्ड भी हमें फर्स्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हाउ। ठीक है, हाउ के बाद में आप देख लीजिए इधर क्या है, नाकी, तो हो जाएगा हाउ, हाउ नाकी। इसके बाद में क्या है, द गर्ल, हाउ नाकी द गर्ल, और क्रिया आपकी क्या है, टीच, और संबोधन का चिन्ह लगेगा, मार्क्स लगेगा। इसी प्रकार से नंबर फोर को देखिए, द नाइट इज वेरी कोल्ड, तो नंबर फोर पहले आप स्टार्ट करेंगे सेम यही हाउ, हाउ के बाद में देखिएगा क्या है, नॉटी। अच्छा ये है आपका द नाइट इज वेरी कोल्ड, तो हाउ, हाउ के बाद में क्या है, देखिए कोल्ड है, तो हाउ कोल्ड, हाउ कोल्ड। इसके बाद में है हमारा द नाइट, तो हाउ कोल्ड द नाइट, और इसके बाद में इज, और उसके बाद में आपका वो एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए किसी प्रकार से यदि कोई बात हमारा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में बोर्ड एग्जाम में आता है और उसको हमें सिंपल में होगा वो बात, जैसे ही आपके सामने फोर सेंटेंस है, चार वाक दिए गए हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, इन बातों को हमें काय में हमने बदला है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में, मीन्स विस्मय सूचक वाक में हमें परिवर्तित किया है इसको, तो रूल्स हम यही फॉलो करेंगे। उसको जो भी सेंटेंस आएगा नियम हम यही लगाएंगे, जो भी वेरी वर्ड होगा वेरी वर्ड के रिप्लेसमेंट करके यहाँ पर हाउ, हाउ वर्ड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिया जाएगा सिंपल में, उसको इधर हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में इसके बाद इसकी वर्ड इज, तो यही कंडीशन से आपने देखा है चारों भाग आपके मन के तैयार हो गए हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके 10th बोर्ड एग्जाम में यदि ऐसा कोई सेंटेंस आता है और उसमें लिखा है कि एक्स्ट्रा वेटेड सेंटेंस में उसको चेंज करना है, तो आप इस प्रकार से उसको चेंज करेंगे
तो आपको एक सेंटेंस आप जब चेंज कर देंगे तो दो मार्क्स यानी दो आपको अंक इसके प्राप्त होंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन हो तो इसको नोट कर लें, ठीक। थैंक्स, ऐसे ही आपको आगे न्यू टॉपिक जो है आपको बताएंगे। ओके।